students of class 2 and respected parents, assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I'm your English teacher from Junior Campus High School, and today I'm going to deliver you a lecture from New Active English book. Okay beta, please open your books and go to your page number 60. Okay beta, hopefully aap apne page number 60 par aa chuke honge. हमारा आज का कॉन्सेप्ट है आर देर के साथ. आर ज़्यादा चीज़ों को शो करता है, जैसे आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं देर आर सम फ्लावर्स, देर आर सम चॉक्स, तो आर किसको शो कर रहा है, ज़्यादा को. ठीक है, आर देर के साथ हम क्वेश्चन करेंगे और फिर उनके आंसर देंगे. और देर का वर्ड जो है आप कहाँ यूज़ करते हैं, जब आप किसी प्लेस को शो करते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, आप थिंग्स को भी शो करते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट योर पिक्चर नंबर 1. अब यहाँ पर हम आर डियर के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके आंसर की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट नंबर 1. आर देयर एनी फ्लावर्स इन द पिक्चर, आर देयर एनी फ्लावर्स इन द पिक्चर. जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, एक पिक्चर है जिसमें फ्लावर्स दिखाए गए हैं. तो आपने क्या कहा, आर, आर मीन्स ज़्यादा फूलों की बात हो रही है. आर देयर एनी फ्लावर्स, एनी का वर्ड आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. आर देयर एनी फ्लावर्स इन द पिक्चर, तो इसमें मौजूद हैं. तो आपने क्या कहा, यस. अब शॉर्ट आंसर में क्या कहा, यस देयर आर. क्वेश्चन में देयर का और आर का यूज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. यस देयर आर, देयर आर सम फ्लावर्स, पहले शॉर्ट आंसर एंड देन फुल आंसर. ठीक है, उसके बाद आप नंबर 2 में देखें. अब क्या क्वेश्चन है, आर देयर एनी फ्लावर्स इन द ग्लास, क्या अब आपको ग्लास में फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. नो, नो देयर आरंट, यहाँ पे तो नहीं है फ्लावर्स. तो शॉर्ट आंसर हमने क्या दिया, नो देयर आरंट. अब आरंट किसको शो करता है, आर नॉट को, जो चीज़ मौजूद नहीं है. नो देयर आरंट, देयर आरंट एनी फ्लावर्स. अब आरंट के साथ आप एनी का वर्ड यूज़ करें, देयर आरंट एनी फ्लावर्स, जो चीज़ मौजूद नहीं है उसमें हमने आरंट का यूज़ किया. ठीक है, आरंट के साथ हमने फुल सेंटेंस में एनी का वर्ड भी यूज़ करना है, देयर आरंट एनी फ्लावर्स. इसी तरह से आपके पिक्चर नंबर 3 और 4 हैं, जैसे इसमें कहते हैं आर देयर एनी पीपल इन द बस, तो देखिए आपको पीपल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. तो आपने क्या कहा, यस देयर आर, देयर आर सम पीपल. नाउ लुक एट द कार, आर देयर एनी पीपल इन द कार, देखिए कोई यहाँ पे मौजूद है. No, no there aren't any people. अब इसी तरह से मैं आपके आपके साथ आर से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप मुझे उसका आंसर दीजिए. तो बेटा फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 boxes, देखिए मैंने 2 boxes लिए हैं. अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, मेरे क्वेश्चन को सुने और कोशिश करें मेरे साथ इसका आंसर देने की. ओके, नाउ लुक एट योर फर्स्ट बॉक्स, ये वाले बॉक्स की तरफ हम देखेंगे. अब आप मुझे इसका आंसर देंगे. ठीक है, आर देयर एनी चॉक्स इन द बॉक्स, तो आपको बॉक्स में चॉक दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेरी गुड, कोशिश करें. यस देयर आर, यस देयर आर, देयर आर सम, देयर आर सम चॉक्स. ओके, नाउ लुक एट योर सेकंड बॉक्स. अब इसमें आप गौर से देखेंगे कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपने उसके मुताबिक मुझे आंसर दे रहा है. मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आर देयर एनी चॉक्स इन द बॉक्स, क्या आपको इस बॉक्स में कोई चॉक दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, नो, नो देयर आरंट, अब कुछ भी नहीं है इसमें. नो देयर आरंट एनी चॉक्स. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की. अब हम आगे चलते हैं. ओके बेटा, नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 5 और 6. इसमें भी इसी तरह से आपने अपने सराउंडिंग से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें देखिए आपसे पूछ रहे हैं आर देयर एनी डेस्क इन योर क्लासरूम. अब आप क्लासरूम के अलावा अपने रूम को, अपने बेडरूम को, आप अपने किचन को, किसी भी जगह को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं आर देयर एनी चेयर्स इन योर या इन माय रूम. ठीक है, अगर आपसे कोई बड़ा आपसे क्वेश्चन करता है तो वो आपसे पूछेगा आर देयर एनी चेयर्स इन योर रूम, तो आप अगर चेयर्स होंगे तो कहेंगे यस देयर आर सम चेयर्स. इसी तरह से जैसे आर देयर एनी कैट्स इन योर क्लासरूम, तो क्लासरूम में कैट्स मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, नो देयर आरंट एनी कैट्स. अब इसी तरह से आप कह सकते हैं आर देयर एनी डॉग्स इन योर रूम,
तो आप क्या कहेंगे? नो देयर आरंट, देयर आरंट एनी डॉग्स. नाउ मूव टू योर पेज नंबर 61. ओके बेटा, नाउ लुक एट योर पेज नंबर 61. हमने पेज नंबर 60 पर आर देयर के साथ प्रैक्टिस किया और 61 पे हम कुछ और पिक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पीछे प्रैक्टिस की थी, अब यहाँ पर आपके पास इसी तरह से अनकाउंटेबल थिंग आ गए फर्स्ट वाली में. तो हम यहाँ पर आर के बजाय इज देयर का वर्ड यूज़ करेंगे. हम क्या कह रहे हैं? इज देयर एनी वाटर इन द बकेट. देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वाटर उन्होंने शो किया हुआ है, यहाँ पर पानी उन्होंने दिखाया हुआ है. तो आप क्या कहेंगे? यस देयर इज. अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर इज का वर्ड यूज़ करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है? इज. यस देयर इज, देयर इज सम वाटर, देयर इज सम वाटर. नाउ लुक एट नंबर 2. अब वो क्या कहते हैं? आर देयर. अब आप देख सकते हैं उन्होंने आर के साथ इसको बताया है. आर देयर एप्पल्स की बात हुई तो ज़्यादा हैं, तो हमने कहा आर देयर एनी एप्पल्स इन द बास्केट. यस देयर आर, देयर आर सम एप्पल्स. अब आप देखिए, इज देयर एनी ब्रेड ऑन द टेबल. लुक एट द टेबल, क्या आपको यहाँ पे कोई ब्रेड दिखाई दे रही है? नो. तो आप क्या कहेंगे? नो देयर इजंट. इजंट क्यों कहा? इज से हमने उसको इजंट यानी इज नॉट बताया. ठीक है, नो देयर इजंट यानी कि वहाँ पे तो कोई ब्रेड मौजूद नहीं, देयर इजंट एनी ब्रेड. ठीक है, नाउ लुक एट नंबर 4. आर देयर एनी प्लेट्स ऑन द टेबल. तो आप क्या कहेंगे? नो देयर आरंट, देयर आरंट एनी प्लेट्स. इसी तरह से मैं अब आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ, आप उनको भी फॉलो करें. ओके बेटा, पहले हमने आर के साथ एग्जांपल्स किए हैं, मैं आपको इसके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी. फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई हैव अ बॉक्स. अब मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी, आपने ध्यान से सुनने और साथ कोशिश भी करनी है आंसर देने की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द ग्लास. मैं आपसे पूछ सकती हूँ उसके बारे में, इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास. इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर है, तो आप क्या कहेंगे? Yes, there is. Yes, there is. There is some water. ठीक है, समझ आ गई आपको. अब आप इस बॉक्स की तरफ आ जाएं. अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, इज देयर एनी शुगर. आप खाली बॉक्स है तो आप शुगर, सॉल्ट कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, इज देयर एनी शुगर इन द बॉक्स या इज देयर एनी सॉल्ट इन द बॉक्स. तो आप क्या कहेंगे? नो देयर इजंट, नो देयर इजंट. Isn't का वर्ड यूज़ करें जो चीज़ मौजूद नहीं है. नो देयर इजंट एनी शुगर और देयर इजंट एनी सॉल्ट. इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी. ठीक है, नाउ नाउ लुक एट योर लास्ट पार्ट, रीड अलाउड. इसमें हम ओ यू के साथ वर्ड्स की साउंड की प्रैक्टिस करेंगे. अब दो तरह के हम साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे. जैसे फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स से, हम जैसे क्लाउड से मैं आपको सिखाती हूँ. जैसे क्ल के साथ आपने आऊ आऊ साउंड साउंड इसकी चलेगी और फिर ड बनेगा. ठीक है, ख ल अ ड यानी क्लाउड. आऊ यानी कि हाउस, माउथ, राउंड, ट्राउजर्स, काउंट, ग्राउंड, लाउड, शाउट, आउट, अबाउट. और जिस तरह मैं लास्ट आपको पिछले पेजेस में भी बताती रही हूँ कि इसमें आपने फ्लुएंटली इन वर्ड्स को पढ़ना होगा, जैसे आप क्लाउड, हाउस, माउथ, राउंड, ट्राउजर्स, काउंट, ग्राउंड, लाउड, शाउट, आउट, अबाउट, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अब आप देखें, बट के साथ हमारी ये साउंड चेंज है, जिसमें ऊपर हमारी आउ साउंड गई लेकिन यहाँ पर हमारी आह साउंड चलेगी. जैसे टच, अह, कलर, यंग. ठीक है, आपने इनकी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बेटा, अपना खूब ख्याल रखिए. हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़.